फैंस के लिए सामने आई बेहद बुरी खबर। इस धाकड़ खिलाड़ी ने अचानक आईपीएल से लिया संन्यास। बताएंगे वो कौन सा प्लेयर है जिसने आईपीएल से पहले संन्यास ले लिया है। इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईपीएल की सभी फ्रेंचाइजी आज रिलीज खिलाड़ियों का ऐलान कर चुके हैं। फ्रेंचाइजी की लिस्ट सामने आने से पहले एक दिग्गज खिलाड़ी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इस खिलाड़ी ने अचानक आईपीएल से संन्यास ले लिया है। ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि आईपीएल की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस के बड़े मैच विनर में से एक है। आपको बता दें कि साल 2010 में मुंबई इंडियंस का टीम का हिस्सा रहने वाले कैरन पोलार्ड ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि मुंबई इंडियंस दिग्गज ऑलराउंडर कैरन पोलार्ड को रिलीज करने से पहले ही उन्होंने बड़ा फैसला ले लिया है। कैरन पोलार्ड ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर आईपीएल से संन्यास लेने का ऐलान किया है। उन्होंने इस पोस्ट में मुंबई इंडियंस के लिखा है, यह फैसला करना आसान नहीं था क्योंकि मैं कुछ साल और खेलना चाहता हूं, लेकिन मुंबई इंडियंस के साथ चर्चा के बाद मैंने आईपीएल करियर को अलविदा कहने का फैसला लिया है। मुंबई इंडियंस को बदलाव की जरूरत है। अगर मैं मुंबई इंडियंस के लिए नहीं खेल सकता तो मैं मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी नहीं खेल सकता हूं। हमेशा मैं मुंबई इंडियंस का रहूंगा, इसलिए मैंने यह फैसला लिया है। अगर यह वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।